गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ के हालातों को लेकर कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में 11,050 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कुल 7 राहत शिविरों में 12,000 लोग शरणार्थी हैं। शिवपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी मुरैना में 6 मीटर और भिंड में 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ग्वालियर चंबल संभाग के बांधों को खोलने से खतरा बढ़ेगा। शिवपुरी के टीले गांव से 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दतिया में बीते 24 घंटों में 33 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय लिया गया है कि 2000 होमगार्ड के जवान को आपदा प्रबंधन में प्रतिनियुक्तियां होंगी। सिंहस्थ में लगे जवानों को भी प्रतिनियुक्तियों में शामिल किया जाएगा। कल स्वयं के द्वारा किए गए रेस्क्यू को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता के बीच हम जाते हैं, इसलिए उनका दर्द भी जानते हैं। रोते बिलखते लोगों को मैंने देखा है। भयावह स्थिति को देखते हुए नौ लोगों को बचाया गया है। मैं तैरना जानता हूं, इसलिए नंगे पांव रेस्क्यू के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा था। ओलंपिक में भारत को पदक मिलने पर नरोत्तम ने कहा कि 41 साल बाद भारत का टीम ने गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई के कारण अच्छे परिणाम आ रहे हैं। देखिए, हम जनता के बीच से आते हैं और इसलिए उनका दुख दर्द हम अपना दुख दर्द मानते हैं, उनकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मानते हैं। जब मैं राहत शिविर में कल गया तो उनकी दादी का, उनके बेटे का, जिस तरह से लिपट के जो फंसी हुई बेटियां थी, माँ थी, बयां की तो आंखों में आंसू आने वाली स्थिति थी। हृदय पीड़ा से भर गया। लोमहर्षक घटना उन्होंने जो सुनाई तो लगा कि जाना चाहिए। जब बात की तो पता चला कि जो हमारे रेस्क्यू के नाव वाले हैं वो पानी के वेग को देख करके हतोत्साह से हैं। जो और गांव के लोग हैं वो भी घबराहट में हैं। तो ऐसे में अगर हम ढाढ़स बंधाने बीच में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अगर हम ही नहीं जाएंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और मेरी स्वयं की आत्मा भी मुझे कचोटेगी कि मैं टीवी पर बैठा रहा, ट्विटर पर बैठा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया और मैं गांव गया। गांव में जाने के बाद में अपनी बेटियों को, उनकी माँ को और अन्य गांव के जो लोग थे, लगभग 9 लोग, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया। पर लौट के आए जब तक पता चला तो साफ्ट के अंदर तार जो होता है गाँव के अंदर जो लगे रहते हैं, फेंसिंग वगैरह, वो उलझ गई है उसके अंदर। स्टार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है, जब ज्यादा कोशिश की तो वो टकरा गई पेड़ से। इसी बीच में हेलीकॉप्टर आया। सबसे पहले मैंने अपनी बेटियों को और उनकी माँ को रवाना किया, उसके बाद गांव के पुरुषों को रवाना किया। एक पुरुष बचे थे, बुजुर्ग, जो हेलीकॉप्टर में बैठने को राजी नहीं थे, उनके नाव की बात की, व्यवस्था की और उसके बाद मैं इन सबको बचा के लाया। एक मन को शांति भी महसूस हुई जब वो सुरक्षित आ गए। और वो दृश्य अगर आप देख लेंगे जब वो आए हैं और अपने परिवार के जनों से मिले हैं तो आप स्वयं ही भाव विभल हो जाएंगे। वो क्षण बहुत भावुक थे और मेरे लिए मेरी आत्म शांति की बात थी कि मैंने प्रयास मेरे सफल हुए, फलीभूत हुए। नंगे पांव के बीच में जूता एक बाधक होता है और चूंकि मैं तैरना जानता हूं और इसलिए मेरे को मालूम है कि जूते से कितनी व्यवधान आती है, इसलिए पहले से ही मैं जूते पहन के गया ही नहीं था। पानी में जब उतरा तो जूते गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। हमारे आपदा प्रबंधक को बाढ़ बचाओ और आपदा प्रबंधन हेतु 2425 होमगार्ड के SDERF में प्रतिनियुक्ति पर देने का आज तय किया है। अब ये हमारे होमगार्ड के जवान हम आपदा प्रबंधन और बाढ़ बचाव के लिए प्रतिनियुक्ति पर देंगे। यहाँ मैं ये भी 2445, इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो सिंहस्थ वाले हमारे लोग हैं उनको भी शामिल करें। बहुत बधाई 41 साल बाद हमारी हॉकी की टीम ने। देखिए, जब हमारा मुखिया अच्छा होता है और वह जब आत्मबल बढ़ाता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। इस बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी शुरू से ही हौसला अफजाई कर रहे हैं और इसलिए 41 बाद, आज साल बाद पदक जीता है।
मैं पूरी टीम, भारतीय टीम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।